सावर उपचुनाव के मतदान के बीच नेताओं की बयानबाजी भी चली है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। पटवारी ने मध्य प्रदेश में पूरी 28 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया है और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि जनता आने वाली 10 तारीख को कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय कराएगी और बीजेपी के मुंह पर जोरदार तमाचा भी मारेगी। लोकतंत्र के इस उत्सव में जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और यही जनता नेता खरीदने वाले शिवराज सिंह और बेचने वाले सिंधिया को सबक सिखाएगी। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। अभी मंगलवार के दिन वोटिंग है, मंगलवार के दिन रिजल्ट निकलेगा और मंगल देवता के उपासक है हमारे कमलनाथ जी। मैं मानता हूँ कि पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है। मध्य प्रदेश की जनता लोकतंत्र को एक उत्सव के रूप में लेती है और जब ये उत्सव के रूप में लेती है तो बिगाड़ता है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं मानता हूँ कि 28 के 28 सीट में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी छोटी से नहीं कह सकती कि ये हम जीती जाएंगे। पूछते हैं कौन सी सीट जीत जाएंगे तो कहते हैं सारी जीतेंगे। यूं नहीं बताते हैं कि ये जीतेंगे वो जीतेंगे वो जीतेंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ, दावे से, कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के पार्टी का चुनाव चल रहा है। जनता भारतीय जनता पार्टी एक खरीदने वाला शिवराज सिंह चौहान, एक बेचने वाला ज्योतिराय सिंधिया, दोनों को वोट के तमाचे मार रही है। और मैं मानता हूँ रिजल्ट जिस दिन आएगा, आज जनता अपना मत का उपयोग कर रही है, रिजल्ट जिस दिन आएगा मध्य प्रदेश की जनता में लोकतंत्र जीतेगा। कांग्रेस नहीं जीतेगी, लोकतंत्र जीतेगा। और मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी को और मुंह की खानी पड़ेगी। परसेंटेज ज़्यादा तब पड़ता है जब जब भारतीय जनता पार्टी या जो सत्ता में लोग हैं या जिन्होंने जो कृत किया उसके विरोध में, मैं मानता हूँ विरोध का वोट ज़्यादा परसेंटेज देता है। ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध का वोट बहुत तेज़ी से 100%। आप पूछो कौन सी सीट नहीं जीत रही हो, मैं बताता हूँ तर्क आपको किस लिए जीतती है। जो भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि हमने करोड़ों रुपए, 20-20, 25-25 करोड़ रुपए सुर्खी में, सांवेर में, अपना बदनावर में खर्च करके हम जीतेंगे, वहाँ भी वो हार रहे हैं। सांवेर की सीट 25 करोड़ से ऊपर का चुनाव भारतीय जनता नहीं बांटे, रैलियाँ नहीं निकाली, शराब नहीं पकड़ाई, 80 लाख रुपए कैश पकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के पैसे नेता ने कबूल किया, सब हुआ तांडव। सरकार, DM, पुलिस सब ने सहयोग किया। मैं मानता हूँ सांवेर की जनता तुलसीराम के बिके हुए माल। मैंने कहा कि प्रशासन का रवैया समय समय पर मैं बताता रहा हूँ। मैं मानता हूँ ये मध्य प्रदेश पूरे में हुआ है, पर फिर भी जनता जब अपने मत का सदुपयोग करने पे आ जाए तो कोई कितना हठधर्मिता कर ले हथेली नहीं लगा सकता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।